जिला गुरदासपुर के गांव पंचगराइया में बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया। गांव में सरकारी स्कूल की महिला अध्यापक संतोष रानी पर तेजधार हथियार के साथ स्कूल के बाहर लड़के ने किए सिर पर वार, जिससे ज़्यादा जख्मी होने के कारण अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में उसे रेफर किया गया। स्कूल के अध्यापकों और गांववासियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस पर आरोप लगाते हुए अध्यापकों ने बताया कि पुलिस घटना स्थान और अस्पताल पर देरी से पहुंची। अध्यापकों ने मांग की है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए या लाइन हाजिर किया जाए जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा सकते। दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी ने अपने पर लगे आरोपों को नकारते हुए बताया कि जिस लड़के के द्वारा संतोष रानी को जख्मी किया गया है वह आज से 4-5 साल पहले भी इसी अध्यापक से पढ़ता था और उस समय इसी महिला अध्यापक ने उसे कक्षा में पीटा था, जिसकी रंजिश कारण ही दोषी ने महिला अध्यापक पर तेजधार हथियार के साथ जख्मी कर दिया। जाँच की जा रही है, दोषी को अध्यापकों और गाँव वालों ने पकड़वा दिया है। जाँच के बाद जो भी तय हुआ सामने आएगा उसके आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। सरकारी हाई स्कूल पंचगराइया विखे जिहड़ा डोर टू डोर कंपेन चल रही है दाखला वधाउण वास्ते वख-वख अध्यापकां दीआं ड्यूटियां लगियां होईआं सन। ये अध्यापक भी एक गली दे विच गए ने बच्चों दाखला वधाउण वास्ते, पर साढ़े पंज हर सरकारी हाई स्कूल पंचगराइया दे मैस मिसिस संतोष कुमारी जी उन्हां दे उत्ते एक लड़का आया वा और दातर दे नाल हमला कर दिता वा, और इस विच वह जिहड़ा लड़का ही स्कूल स्टाफ अते पिंड दे सूझवान लोकां वालों फड़ के वह पुलिस नूं 10 कालां हडमाट साहब ने कीतियां वा, ते श्री बलदेव सिंह होणा फोन चुकना मुनासिब नहीं चुकिया। फिर 10 कालां बाद जदों फोन चुकिया वा और आण के वह लड़के नूं लै गया, उतों बाद पुलिस प्रोटैक्शन कोई नहीं दित्ती गई। इतने ठीक 3:30 बजे सिविल हस्पताल आए ने, मैडम बहुत सीरीयस ने और उन्होंने हस्पताल जो अमृतसर शिफ्ट कर दिया गया है। अज जो एक हादसा होया जी बहुत ही दुखदाई तो बहुत ही शर्मनाक हादसा है, जिहड़ा कि सानू विभाग वालों डोर टू डोर घर घर जाके दाखला मुहिम बारे हदायतां हुई ने, उस तहत साडा स्टाफ जिहड़ा असी घर तो घर जा रहे थे बच्चों वास्ते सरकारी स्कूल दी प्राप्तियां दसण वास्ते। उस दौरान एक कोई सिर फिरे बेवकूफ़ लड़के ने मैडम होरां दे मैडम संतोष राणी जी जिहड़े कि मैथ मिस्ट्रेस ने अपनी सेवावां निभा रहे हैं उन्हां दे सिर ते दातर दे नाल बहुत ही जबरदस्त जिहड़ा है वो हमला कीता है, जिहदे विच मैडम नूं काफ़ी गंभीर सट लगी है और असी पुलिस दे भी थोड़ा जिहा इस बारे रोस है साडा कि पुलिस ने बणदे समय सिर कारवाई नहीं की। उन्होंने दसण के बावजूद भी 1.5 घंटा लेट जी सिविल हॉस्पिटल पहुँचे ने, जद और उस समय दौरान जिहड़ा मैडम जी नूं क्योंकि हालत गंभीर सी उन्होंने असी अमृतसर प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। सो असी चाहते हैं कि दोषी खिलाफ़ तो जी कार्रवाई है सख्त तो सख्त होनी चाहिए है, पर जिन्होंने ये अणगहली वरती है उन्होंने खिलाफ़ भी पुलिस मुलाजमान खिलाफ़ भी जी कार्रवाई है वो जरूर होनी चाहिए है जी। थैंक यू। चूँकि हाजिर थी कि मैडम संतोष कुमारी जो कि सरकारी हाई स्कूल बटाला विच टीचर नौकरी करते, पंजगरिया टीचर नौकरी करते, एक स्कूल का सबका विद्यार्थी जो कि 4-5 साल तो पहला मैट्रिक पास की सी, उहदे दसण मुताबक भी मैनूं मैडम ने कल्लू कुट्टे मारिया कि 4-5 साल पहला, उहदे मन में कोई रंस है उहदी वजह करके कहिंदा भज्ज उहदे सट्ट अगे मैडम अपने स्कूल तो चल पे आ ते गली दे आउंदे होए उन्होंने सट्ट के मुंडे नूं लाई, वह लड़का अरैसट कर लिया। उस तो बाद मैडम जी इतने आए आ रैसट करके, उस तो बाद इतने आए एमरजेंसी भेजे आ अभी बटाले सिविल हस्पताल, उन्हें इन्हें रैफर अमृतसर करता हम अमृतसर जा रहे हैं। MLR कंटैक्ट होने जो भी कार्रवाई बनती है एम्बुलेंस लिया इन्होंने दोष है टीचर के पुलिस देरी ना पहुँचती है, पुलिस पहुँच सर अभी पहला जोड़ा मुरजम दोषी है उन्होंने अरैसट करना वो कार्रवाई करनी है वो भी जरूरी है, क्योंकि हथियार गांह फसा करना जी सट लाई है। उस तो बाद अभी 5 मिनट बाद इतने आ गए, वो एमरजेंसी ने गांह भेजता, उस तो बाद अगे जाने हथियार जो बनते कानून MLR वगैरह उतर प्रथली तौर पर जाने पहले तैयार MLR होने बाकी है, अभी फिर भी पहला आ गए फिजिकल आए पहले ही।